नाउ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एल्केन का हैलोजिनेशन कैसे होता है, जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। नाउ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन से मतलब ये है कि जो एल्केन का ब्रोमिनेशन होता है वो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है। सेलेक्टिव से कहने का मतलब ये है कि किसी एल्केन का जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन क्लोरीनेशन रिएक्शन सेलेक्टिव नहीं होता, वो रिएक्टिव होता है। और क्लोरीनेशन रिएक्शन रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, रेडिकल करेक्टर कम होता है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ब्रोमीन में रेडिकल करेक्टर ज़्यादा है, इसलिए ब्रोमिनेशन रिएक्शन रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे मैं एक ब्रोमिनेशन रिएक्शन बताता हूँ, जैसे प्रोपेन है, दिस इज CH3, या मैं अगर इस कंपाउंड को ले लूं CH3CH3H, दिस इज 2-methyl propane। इस पर अगर मैं ब्रोमीन का रिएक्शन कराऊं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन वही होगा जहां रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CH3CH3CH3, यहाँ H की जगह Br आ गया, और एक प्रोडक्ट और बना कि दिस इज BrCH2CH3CH3H। अब ये वाला प्रोडक्ट मेजर और ये माइनर, पर अगर इसी का मैं क्लोरीनेशन करा दूं, मींस इस पर अगर मैं Cl2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराऊं, तो जो प्रोडक्ट मिला उसमें दो प्रोडक्ट मिल गए। एक तो इसमें देखिए रिएक्शन दो डिफरेंट पोजीशन पर हो सकती थी, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल थी पर ये पोजीशन डिफरेंट था। यहाँ से अगर ये 3 डिग्री पोजीशन था और ये सब 1 डिग्री पोजीशन है, तो दो प्रोडक्ट बन गए, ये 1 डिग्री से बना और ये 3 डिग्री से बना, दिस वन इज बाई 3 डिग्री। तो 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबलाइज होता है 1 डिग्री के कंपेयर में, तो ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, तो ब्रोमिनेशन 3 डिग्री वाले पर ही मेजर बनेगा। क्लोरीनेशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्लोरीनेशन रैंडम होता है। तो इसका जब क्लोरीनेशन कराया गया तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया कि Cl CH2 CH3 CH3 और H, और दूसरा जो बना दिस इज CH3 CH3 दिस इज CH3 और ये Cl। अब यहां पर ये मेजर है और ये माइनर, दिस इज माई माइनर प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, क्यों ये मेजर माइनर है, तो मैंने जैसा बताया कि क्लोरीनेशन रिएक्शन रिएक्टिव है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए उसमें रेडिकल करेक्टर कम होता है और एनायनिक करेक्टर ज़्यादा आ जाता है। एनायनिक करेक्टर आने से वो रिएक्टिव हो जाता है। जैसे कोई एल्केन है RH, इस पर जब हमने Cl2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराया, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनी उसमें ये H ऐसे ब्रेक होगा, Cl आके इस पर पहले ट्रैप करेगा, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो Cl पे माइनस, H पे प्लस, R पे माइनस, फाइनली ये RCl में बदल जाता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें लेस रेडिकल करेक्टर एंड मोर एनायनिक करेक्टर, इसमें एनायनिक करेक्टर ज़्यादा आ जाता है। और ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, अगर मैं किसी पर RH पर ब्रोमीन का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराऊं, तो यहां भी ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनेगी, ये H ऐसे ब्रेक होगा, Br रेडिकल पहले H को ट्रैप करेगा, तो यहां पर क्या होगा, रेडिकल करेक्टर डोमिनेट करता है, फाइनली RBr में बदलेगा ये ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर क्या है कि मोर रेडिकल करेक्टर एंड लेस एनायनिक करेक्टर, ये होता है। तो इसलिए ब्रोमिनेशन रिएक्शन सेलेक्टिव होता है। और जो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ Br
फॉर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन, दिस इज 1600:82:1। यानी ब्रोमीन का रिएक्शन 3 डिग्री हाइड्रोजन पर 1 डिग्री के कंपेयर में 1600 टाइम फास्ट होता है, 2 डिग्री पर 1 डिग्री के कंपेरिजन में 82 टाइम फास्ट होता है। और जो रिएक्टिविटी ऑफ सीएल है फॉर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू 5:3.8:1। क्लोरीन भी 3 डिग्री पर ही फास्ट रिएक्ट करता है, लेकिन 1 डिग्री के कंपेयर में वो 5 टाइम ज्यादा फास्ट होता है। जबकि आप देखिए ब्रोमीन में 1 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री पर अटैक 1600 टाइम ज्यादा फास्ट था। ये रेशियो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, इसी बेसिस पर हम मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैं फिर से उसी कंपाउंड को लेता हूं, 2-methyl propane। सो 2-methyl propane अगेन दिस इज CH3 और H। इस पर जब ब्रोमीन का रिएक्शन कराया गया सनलाइट के प्रेजेंस में तो 2 प्रोडक्ट बन गए कि दिस इज CH3 और यहां BR आ गया, और एक दूसरा जो बना दिस इज BR CH2 CH3 CH3 और H, ऐसे हो गए। तो मैंने जैसा बताया था ये मेजर है और ये माइनर। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर 1 है, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है, तो जो रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री हाइड्रोजन की तो 1 × 1600 दिस इज 1600 एंड रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है, आप देखे 3, 3, 6 एंड 3, 9, तो दिस इज इक्वल टू 9 × 1 means 9, तो टोटल रिएक्टिविटी हो गई 1609। अब इस प्रोडक्ट का जो परसेंटेज अमाउंट होगा दिस इज इक्वल टू 1600/1609×100। और इस प्रोडक्ट इसका जो परसेंटेज अमाउंट होगा इस प्रोडक्ट का दिस इज इक्वल टू 9/1609×100। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 99.45% आ जाएगा और ये सिर्फ 0.55% आएगा। तो आप देखिए ये मेजर है, दूसरा माइनर। तो आपने देखा कि ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है, ब्रोमीन वहीं पर मेजर बनाएगा जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अब अगर मैं इसी का क्लोरिनेशन रिएक्शन करा दूं, इस पर Cl2 और सनलाइट का रिएक्शन कराया जाए, तो अब इसमें देखिए 2 प्रोडक्ट यहां पर, अब Cl से भी 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक रिएक्शन यहां पे हो जाएगा और एक यहां पर हो जाएगा। ये तीनों पोजिशन सेम है, कहीं एक जगह रिएक्शन हो गया, तो इसका एक प्रोडक्ट तो ऐसे बना कि नाउ दिस इज Cl CH2, दिस इज CH3 CH3 एंड H प्लस CH3 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 एंड Cl। नाउ दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। अब इसमें भी मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करें तो जो रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन तो 1 × 5 हो गया, दिस इज इक्वल टू 5। एंड रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है, तो 9 × 1 दिस इज 9, ये टोटल 14 हो गई रिएक्टिविटी। अब इसका जो परसेंटेज अमाउंट होगा दिस इज इक्वल टू 5/14×100। और इसका जो परसेंटेज अमाउंट हो गया दिस इज इक्वल टू 9/14×100। तो आप देखें ये प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, सॉरी ये कैलकुलेशन थोड़ा रिवर्स हो गया। यहां पर जो परसेंटेज अमाउंट होगा वो 9/14 और यहां पर जो हो गया दिस इज 5/14। अब आप देखिए कि ये वाला अमाउंट थोड़ा ज्यादा है तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो गया, और ये 5/14 है कम है तो ये माइनर हो गया।
सो दिस इज हाउ ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। उसी तरीके से मैं एक दूसरा कंपाउंड सिर्फ प्रोपेन लेता हूँ, प्रोपेन इज CH3, CH2, CH3। ब्रोमिनेशन रिएक्शन में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ब्रोमिनेशन में मेजर वही होगा जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज बने। अगर मैं इस पर ब्रोमीन का रिएक्शन करा दूं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहां 2 डिग्री रेडिकल, यहां 1 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबलाइज। नाउ इसके दो प्रोडक्ट, एक ये बन गया और एक ऐसे बन गया। नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, उसमें कुछ सोचना नहीं, ब्रोमीन का मेजर वहीं जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज। क्लोरिनेशन आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं इस पर क्लोरीन का रिएक्शन कराऊं Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहां भी दो प्रोडक्ट, एक Cl यहां आ गया एंड दूसरा यहां आ गया। अब इसमें कौन मेजर कौन माइनर, अब यहां पर यही मेजर, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, सो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन थे, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड में 2 डिग्री हाइड्रोजन टोटल 2 हैं और 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल 6 हैं, ये 3 एंड 3 6, और यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन इस तरीके से। अब जो रिएक्टिविटी ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए होगा, तो दिस इज 2 × 3.8, दिस इज इक्वल टू 7.6। एंड रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल 6 है, तो 6 × 1, दिस इज इक्वल टू 6, तो टोटल रिएक्टिविटी 13.6 हो गई। अब इसका जो परसेंटेज अमाउंट होगा, दिस इज इक्वल टू 7.6 upon 13.6 × 100, और इसका जो परसेंटेज अमाउंट होगा, दिस इज इक्वल टू 6 upon 13.6 × 100। अब आप देखें कि ये अमाउंट ज्यादा है, 7.6 upon 13.6, 7.6 इज ग्रेटर देन 6, तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, क्योंकि ये 6 upon 13.6 है, 6 कम है 7.6 से। सो इस तरह से ब्रोमिनेशन रिएक्शन में तो मेजर वही बनेगा जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज होगा, पर क्लोरिनेशन रिएक्शन को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन बहुत ही वायलेंट रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लोरिनेशन बहुत ही रिएक्टिव अनकंट्रोल होता है, इसलिए हम लोग क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन पर फोकस ज्यादा करते हैं। सो दिस इज अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन।